बाबा की प्रश्नावली है 11 समरूपता। इसमें देखते हैं कौन कौन सा आपका प्रश्न इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। दोस्तों इसमें आपकी प्रमेय 11.1 काफी इम्पोर्टेंट है, इसे आप तय रखने जा सकते हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल 2 भी काफी अच्छा प्रश्न है, इसे भी आप तैयार करके जरूर जाए, ताकि अगर ये पेपर में आ जाए और आपका तैयार किया हुआ होगा तो आप अच्छे से कराओगे, ठीक है। और इसमें आगे देखते हैं, अगर कोई इम्पोर्टेंट हुआ तो आपको बता दूंगा, आप साथ साथ निशान लगा सकते हो। इसमें आगे है एग्जाम्पल 4, ये आपका 100% आने के चांसेस है, इसे आप तैयार करके जरूर जाए, इसके आपके 100% आने के चांसेस है, तो आप इसे तैयार करके जरूर जाए, ठीक है। और ये आपका एग्जाम्पल 3/2018 में आ चुका है, अगर रिपीट हुआ तो ये आपको देखने को मिल सकता है, इसे भी आप देख कर जा सकते हो, इसे तो आप जरूर तैयार करके जाएं। आपको बता दूं कि हमारे निशान लगाए हुए प्रश्नों में से ये आपके बोर्ड में सभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे इसमें एग्जाम्पल से आकृति में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, इस प्रकार ये प्रश्न है, इसको आप तैयार करके जो जाए, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और 11.3 में आपका सवाल 9 इम्पोर्टेंट है, इसे आप तैयार करके जा सकते हो। और 10 और 12 नंबर सवाल को भी आप तैयार करके जा सकते हो, इसमें 12 अच्छा सवाल है, इसे आप तैयार करके जा सकते हो, ठीक है, 11.3 में। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप देख सकते हो। इसके बाद में आपका एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 आपका अच्छा प्रश्न है, इसे आप तैयार करके जा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्न है, इसे आप देख लीजिए, आप अपनी किताब में साथ साथ निशान लगा सकते हो। और अगर ये आ गया, अगर आपने तैयार किया हुआ होगा और अगर ये प्रश्न आपने तैयार किया हुआ होगा और यही आ गया तो आप इसे हल कराओगे, आपका हल करने में क्या जाता है अभी, तो आपके पास काफी टाइम है, इसे आप तैयार कर सकते हो। और इसमें आगे 11.4 में 4th क्वेश्चन में ये 3rd इम्पोर्टेंट है, आकृति में x का मान ए बी एवं सी के पदों में ज्ञात कीजिए, इस आकृति की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और विविध प्रश्नावली में आपका सवाल 3 इम्पोर्टेंट है, आकृति में यदि डी ई सवाल 3 की बात हो रही है, इसे आप तैयार करके जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपका सवाल 10 है, यह भी काफी अच्छा प्रश्न है, इसे आप तैयार करके जरूर जाएं। आपको मैंने 11 प्रश्नावली के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दी है, अब चलते हैं प्रश्नावली 12 की तरफ। प्रश्नावली 12 है वृत्त, इसमें देखते हैं आपका कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है।